इन सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, रीट लेवल 2 व रीट लेवल 1 के सभी प्रश्नों को सब्जेक्ट के अनुसार डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने दो वीडियो में रीट लेवल परीक्षा 2 के बाल विकास एवं शिक्षण विधि एवं गणित तथा साइंस, जी हाँ दोस्तों, मैथ तथा साइंस से रिलेटेड दो वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम सामाजिक अध्ययन, जी हाँ दोस्तों, सोशल स्टडीज से संबंधित जो 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं लेवल 2 में, उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जो लेवल 2 में 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं सामाजिक अध्ययन से, उसमें पहला प्रश्न हम देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन ए 1901 से 1911, ऑप्शन बी 1911 से 1921, ऑप्शन सी दे रखा है 1921 से 1931, और ऑप्शन डी दे रखा है 1971 से 1981। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, 1911 से 1921 के बीच में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया है, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है, टिस्को, WSICO, विसल, सेल। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, टिस्को इसका सही उत्तर होगा, टिस्को लौह इस्पात कारखाना भारत में सबसे पुराना है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया है, दी गई भू आकृतियों का, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है। तो दोस्तों, चार ऑप्शन दे रखे हैं, तराई, भाबर, खादर और डेल्टा। ऑप्शन बी में दे रखा है तराई, भाबर, डेल्टा और खादर। ऑप्शन सी में भाबर, खादर, डेल्टा और तराई। ऑप्शन डी दे रखा है भाबर, तराई, खादर और डेल्टा। तो दोस्तों, यदि भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति क्रम देखें, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, भाबर, तराई, खादर और डेल्टा इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, राजस्थान, गुजरात, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राजस्थान राज्य। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया है, जंस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, गढ़वाल, कुमाऊं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख इसका सही उत्तर होगा, जंस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु लद्दाख प्रदेश में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस आप सभी को पता है, ऑप्शन ए 25 जनवरी। जी हाँ दोस्तों, 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 25 जनवरी। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया है, भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है वह है। जी हाँ दोस्तों, कौन सी सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी अवशिष्ट विषय। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्य सूची। जी हाँ दोस्तों, कृषि एवं सिंचाई को भारतीय संविधान में राज्य सूची में शामिल किया गया है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद दे रखे हैं, अनुच्छेद 129, 130, 137 और 143। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 129। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 129। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 53। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 53 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया है, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 के में, जी हाँ दोस्तों 1994 के अध्याय 2 के में जिसके गठन का प्रावधान है वह है। तो दोस्तों चार ऑप्शन दे रखे हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ऑप्शन डी दे रखा है ग्राम सभा, जो कि सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्राम सभा इसका सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या 101 दे रखी है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, दुर्गादास राठौड़ की छतरी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 102, प्रश्न संख्या 102 है, चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ। जी हाँ दोस्तों, चावंड चित्रकला शैली के बारे में पूछा है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, मेवाड़, हाड़ोती, मारवाड़ और शेखावटी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मेवाड़। जी हाँ दोस्तों, मेवाड़ इसका सही उत्तर होगा। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 103, श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध रही है। जी हाँ दोस्तों, शेखावटी किसान आंदोलन, सीकर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सीकर। जी हाँ दोस्तों, श्रीमती किशोरी देवी का सीकर किसान आंदोलन से संबंध रहा है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सीकर। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 104, प्रश्न संख्या 104 है, बजटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, नाक, दांत, कान, गला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गला। जी हाँ दोस्तों, बजटी नामक आभूषण शरीर के गले में, जी हाँ दोस्तों, गले में धारण किया जाता है बजटी नामक आभूषण, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गला। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 105 है, एडवर्ड थॉर्नडाइक 1898 को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सीखने का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, सीखने का सिद्धांत इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 106 है, निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है। तो दोस्तों चार ऑप्शन दे रखे हैं, अलगोजा, भपंग, रावणहत्ता, तंदूरा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अलगोजा। जी हाँ दोस्तों, अलगोजा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है, इसका सही उत्तर होगा अलगोजा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 107, प्रश्न संख्या 107 है, जिसमें एक तरफ महाजनपद दिए गए हैं, दूसरी तरफ नगर, निम्नलिखित में कौन सा एक युग में सही सुमेलित है। गांधार, मथुरा, अंग, उज्जैन, अवंती, सोतवती और कंबोज राजपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, कंबोज राजपुर इसका सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 108 दी गई है, बंड देवरा मंदिर किस जिले में स्थित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है बंड देवरा मंदिर किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बारा। जी हाँ दोस्तों, बारा जिले में बंड देवरा मंदिर स्थित है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 109 है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड कथन दे रखे हैं, तीन कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया। दूसरा कथन दे रखा है, उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। और तीसरा कथन दे रखा है, उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा केवल एक। जी हाँ दोस्तों, केवल एक इसका सही उत्तर होगा, उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया, बाकी दो अन्य कथन गलत हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 110 है, जिसमें अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दे रखे हैं अशोक के अभिलेख में, जिसमें पहला है, अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं। दूसरा है, अधिकांश अभिलेख ब्रह्म लिपि में हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल एक इसका सही उत्तर होगा। अशोक के अभिलेखों में अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है, केवल पहला कथन सही है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन एक। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 111, डूंगजी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया। तो दोस्तों बीकानेर, जी हाँ दोस्तों, बीकानेर व जोधपुर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बीकानेर व जोधपुर इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 112 दी गई है, निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी का छद्म नाम धारण किया। चार ऑप्शन दे रखे हैं, अर्जुन लाल सेठी, प्रताप सिंह बारट, केसरी सिंह बारट या जोरावर सिंह बारट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, जोरावर सिंह बारट इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रश्न संख्या 113 दी गई है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था। चार ऑप्शन दे रखे हैं, अर्जुन लाल सेठी, गोपाल सिंह खरवा, केसरी सिंह बारेट और प्रताप सिंह बारेट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, गोपाल सिंह खरवा। जी हाँ दोस्तों, गोपाल सिंह खरवा इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 114 दी गई है, जिसमें निम्नलिखित में कौन हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में कौन शामिल थे। ऑप्शन ए दे रखा है पुरोहित गोपीनाथ, दो राणा पुंजा, ऑप्शन सी जयमल मेहता, ऑप्शन चार दे रखा है हकीम खां, पांच चारण जैसा, कृष्णदास चुंडावत। तो दोस्तों इनमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, 1 2 3 5। जी हाँ दोस्तों, 1 2 3 5 इसका सही उत्तर होगा, पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा, उसके अलावा जयमल मेहता और चारण जैसा, ये इसका सही उत्तर होगा, 1 2 3 5। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 115 है, निम्नलिखित में किस छत्री को शेखावट की सबसे बड़ी छत्री माना जाता है। राम गोपाल पोदार की छत्री, कल्याण सिंह की छत्री, हरदयाल सिंह की छत्री या गोपाल सिंह की छत्री। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राम गोपाल पोदार की छत्री। जी हाँ दोस्तों, राम गोपाल पोदार की छत्री इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 116, जिसमें निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित है। छह दे रखी हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, प्रभासपाटन, आलमगीरपुर, चनुद्रो, कोट दीजिए। कौन सी जो है सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में कौन से पाकिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 2 5 6। जी हाँ दोस्तों, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनुद्रो, कोट दीजिए, 1 2 5 6 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 117 है, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, झालोर। जी हाँ दोस्तों, झालोर में जन्म हुआ है महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का, राजस्थान के झालोर में जन्म हुआ है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 118, जिसमें वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। तीन खतन दे रखे हैं वैदिक काल के बारे में, गृहस्थ आश्रम अन्य आश्रमों का पोषक था, दूसरा दे रखा है ग्राम के अधिकारी को ग्रामीण कहा जाता था, तीसरा है व्यापारी वर्ग को विश कहा जाता था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, 1 और 2। जी हाँ दोस्तों, 1 और 2 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 119 है, संत दरियावजी द्वारा रामसनेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रेण में। जी हाँ दोस्तों, चार ऑप्शन दे रखे हैं, सापरा, सिंगतल, रेण, खेड़पा। तो दोस्तों रेण इसका सही उत्तर होगा, संत दरियावजी द्वारा रामसनेही संप्रदाय की शाखा स्थापित की गई है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 120 है, महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार कथन दे रखे हैं, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, दूसरा कथन है उनके बचपन का नाम वर्धमान था, तीसरा कथन उनकी माता का नाम महामाया था, वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, केवल 2। जी हाँ दोस्तों, केवल 2, उनके बचपन का नाम वर्धमान था, केवल यह कथन ही महावीर स्वामी के बारे में सही लिखा हुआ है, ऑप्शन ए केवल 2 सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 121 है, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। तो दोस्तों 1/6। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, 1/6। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 122 है, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, प्रथम उपाध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनंत सेनम अयंगर। जी हाँ दोस्तों, अनंत सेनम अयंगर इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 123, भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पीठासीन अधिकारी। जी हाँ दोस्तों, पीठासीन अधिकारी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 124, किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार, अध्यक्षीय सरकार, सर्वाधिकारवादी सरकार या सैनिक शासन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संसदीय सरकार। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 125,
निम्न में कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, परिभाषित करना। जी हाँ दोस्तों, परिभाषित करना इसका सही उत्तर होगा। निम्न में कौन ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? चार ऑप्शन दे रहे हैं, व्याख्या करना, रचना करना, परिभाषित करना या विश्लेषण करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, परिभाषित करना। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 126। सो टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बांसवाड़ा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 127। राजस्थान के निम्न में कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सहरिया। जी हाँ दोस्तों, भील, सहरिया, ग्रासी और मीणा, चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों सहरिया जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 128 है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जैसमंद झील। जी हाँ दोस्तों, जैसमंद झील राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 129। राजस्थान भारत में निम्न में कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? चारों चार फसल दे रखी है, मक्का, मूंगफली, सरसों और कपास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सरसों। जी हाँ दोस्तों, सरसों इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान भारत में जो है सरसों में फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। ऑप्शनों के अनुसार यदि देखें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सरसों। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 130। अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ग्लोब। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 131। चोरा चोरी की घटना कब हुई? तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन, फरवरी 1922 में। जी हाँ दोस्तों, फरवरी 1922 में चोरा चोरी की घटना हुई थी। इसका सही उत्तर होगा फरवरी 1922। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 132। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, जयसिंह। जी हाँ दोस्तों, जयसिंह इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 133। यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है? धर्म न तो पुस्तकों में है और न ही धार्मिक सिद्धांतों में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 133 का सही उत्तर स्वामी विवेकानंद। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 134। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चोखा मेला। जी हाँ दोस्तों, चोखा मेला इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 135। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने पर जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजसिंह। जी हाँ दोस्तों, राजसिंह इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 136। प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 137। इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है जीवन बीमा के लिए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, जीवन बीमा के लिए। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 138। निम्नलिखित में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जिला फोरम। जी हाँ दोस्तों, जिला फोरम इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 139। हमारे देश का केंद्रीय बैंक है? जी हाँ दोस्तों, हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन, ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 140। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जयपुर। जी हाँ दोस्तों, जयपुर इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 141। पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्रिया का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, क्रिया का सिद्धांत इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 142। उत्तरी गोलार्ध में व्यवहारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। जी हाँ दोस्तों, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 143। सूर्य व पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन, चार ऑप्शन दे रखे हैं,
उपसोर, उपभू, अपसोर और अपभू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अपसोर, ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 144। खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा प्राथमिक उपभोक्ता। जी हाँ दोस्तों, चार ऑप्शन दे रखे हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उत्पादक। तो इसका सही उत्तर होगा प्राथमिक उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में चूहा प्राथमिक उपभोक्ता श्रेणी में आता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 145। जिसमें निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, चार कथन दे रखे हैं। पहला कथन, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। ऑप्शन बी दे रखा है, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। ऑप्शन सी दे रखा है, पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा व घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत और दोनों ही दिशाओं में होती है, जो कि सही उत्तर है ऑप्शन सी। जी हां दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 146। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, परख। जी हां दोस्तों, परख इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ, तो दोस्तों 2004-05 में। जी हां दोस्तों, चार ऑप्शन दे रखे हैं, 2007-08, 10-11, 15-16, 2004-05। तो दोस्तों राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ 2004-05 में हुआ था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 148। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 22 जनवरी 1947। जी हां दोस्तों, 22 जनवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 149। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का जो भाग बनाया गया है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वतंत्रता का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, स्वतंतरता का अधिकार इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, चार ऑप्शन दे रखे हैं, 2010, 2012, 2014 और 2016। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2012। जी हाँ दोस्तों, 2012 में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम बनाया गया 2012 में। तो दोस्तों इस तरीके से हमने रीट परीक्षा लेवल 2 के सामाजिक अध्ययन से संबंधित 60 प्रश्नों को डिस्कस किया, जो कि लेवल 2 में पूछे गए हैं। 60% बहुत महत्वपूर्ण, 60 को बहुत डिटेल से डिस्कस किया। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।